इवन मैं डॉक्टर मीना भैया, आज ड्राइंग एंड पेंटिंग में एक हम बहुत इम्पॉर्टेंट बात करेंगे। ड्राइंग एंड पेंटिंग में चाहे हम फर्स्ट ईयर हो, सेकंड ईयर हो या थर्ड ईयर हो, कोई सा भी ईयर हो, सब में हमको शेप यानी ऑब्जेक्ट्स के साथ ज़रूर काम करना होता है। चाहे आपको फर्स्ट ईयर में जैसे हम आपके सामने ऑब्जेक्ट्स रखते हैं और उसको बनाने के लिए बोलते हैं, फिर सेकंड जो पेपर होता है आपका, उसके अंदर हम आपको बताते हैं कि भाई उन ऑब्जेक्ट्स की जो अलग अलग पार्ट्स हैं, जिन पार्ट्स को लेकर के एक ऑब्जेक्ट बना है, उससे हम कैसे एक डिज़ाइन बना सकते हैं। सेकंड ईयर में भी वापस यदि हम बात करें तो एक ह्यूमन फिगर ज़रूर होता है, पर उसके अलग अलग पार्ट्स जैसे हमारे जो ह्यूमन बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं उसमें किस तरह से बैलेंस हो, किस तरह का शेप होता है, उन सब को लेकर के हमको बात करनी ही होती है। थर्ड ईयर की बात यदि हम करें तो फिर उसके अंदर हमको स्पेस डिवीजन करते हैं, उसके अंदर हमको अलग अलग शेप इस्तेमाल करने होते हैं। और यदि कोई सब्जेक्ट दिया जाता है उसमें आप एब्स्ट्रैक्ट भी बना सकते हैं और फिगरेटिव भी बना सकते हैं, उसमें भी हमको आकारों का इस्तेमाल करना होता है। अब देखिए, आपके सामने ये कुछ पॉट्स पड़े हुए हैं, है ना। ये साइज में छोटे बड़े हैं और इनका जो साइज है और इनका जो साइज है ये डिफरेंट है, ठीक है। लेकिन आपको ये लग रहा है ये सिंपल पॉट्स हैं, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात मैं बताऊं आपको कि जैसे ये पॉट है, इसके अंदर आप देख रहे हैं कि इसका ये एक अलग शेप है, एक ये अलग आकार है, यानी कह सकते हैं हम ज्योमेट्रिकल शेप है, ये शेप है। ये कुल मिला के 1, 2, 3, 4, 5 और 6 हैं। 6 को मिला करके ये एक पूरा इन्होंने इस तरह का ऑब्जेक्ट एक इंजीनियर ने इसको डिज़ाइन किया होगा और उसके बाद इसको बना दिया। इसमें आप देखिए ये पट्टियां भी लगी, फिर इसमें ये छोटे छोटे स्क्वायर्स भी आपको दिखते हैं, ये छोटे छोटे स्क्वायर्स आप देख रहे हैं, है ना। और एक ये लंबा जिसको हम पट्टी कहते हैं, या इसको यूँ घुमा दें तो ये आयताकार भी हो जाता है। अब ये जो आकार है आपको ऐसे देखने में, तो ये अभी जैसे ऊपर से यदि आप देख रहे हैं तो आपको ये बड़ा दिखाई देता है और नीचे का जो है बिल्कुल आपको दिखाई नहीं दे रहा है या बहुत कम दिखाई देता है। यदि इसी को मैं ऐसे टर्न कर दूं तो सामने से आप देखो इस तरह का आकार हो जाता है। इसको यदि मैं ऐसे उल्टा कर दूं तो ये अलग आकार हो जाता है। ये इस तरह से करती हूं तो आप इसको अलग, इस जो ऑब्जेक्ट है इसका अलग एंगल से आप इसको देख पाते हैं। और यदि इसका हम बॉटम पार्ट देखें तो इसमें आप देखिए कि ये षटकोण आपको दिखाई देता है, ये आप स्क्वायर जैसे छोटे आप देख सकते हैं। यानी इसके अंदर जितने आकार हैं वो सारे ज्योमेट्रिकल शेप्स हैं, उनको ही लेकर के ये बना है। अब हम ज्योमेट्रिकल शेप की बात पे आए तो ये भी हमको पता है कि हमारा जो मानव शरीर है वो भी तो स्क्वायर, सर्कल, ट्रायंगल, आयताकार, इन सबको लेकर के ही बनता है, फिर उसके ऊपर से शेप दी जाती है। यदि हम आर्मेचर की बात करें यानी अंदर के ढांचे की बात करें तो उसमें भी ज्यामितीय आकार होते हैं। अब देखिए, आपको ये जैसे बताया, अब इसके अंदर जब आप स्पेस डिविजन करें या इसी को लेकर के यदि मैं कहूँ कि आप यदि एक डिज़ाइन बनाएं, और अब आप क्या कर सकते हैं कि इसको इमेजिन करें कि इसको यदि हम यहाँ से काट दें, है ना, और इसको ऐसे चौड़ा खोल दें हम, तो इसके शेप पूरे ऐसे अलग तरह के हो जाएंगे। यदि आपके घर में भी जैसे आपने देखा होगा कई सारे, जैसे कोई डब्बा है, कंटेनर है या कोई बॉटल है, यदि वो टूट जाती है उसके बीच से आप काट देते हैं और उसको ऐसे खोलते हैं तो उसकी शेप आपको अलग तरीके से दिखाई देती है। अब इस शेप में आप देखिए ये इससे बड़ा है और वो उससे ज़रा सा बड़ा है, और मुझे लग, और आप देखिए कि ये तकरीब बराबर है, बराबर ही है ये, है ना। तो अब ये शेप जो है, यदि आप कोई डिज़ाइन बनाते हैं या स्पेस डिवीजन करते हैं तो उसमें आपको एक एडवांटेज ये होता है कि उस क्रिएटिव डिज़ाइन के अंदर या उस कंपोजिशन में आप एक ही तरह का जो ऑब्जेक्ट है उसके कई सारे एंगल्स एक साथ आपके पिक्टोरियल स्पेस में आप दिखा सकते हैं। यानी कि आप इसको ऐसा शेप भी उसमें बना सकते हैं और इसी का इस तरह का भी बना सकते हैं, ये वाला शेप भी उसमें आ सकता है, ये भी उसमें आ सकता है,
और ये आप पार्ट भी उसके अंदर डाल सकते हैं। यदि आप सामने से इसको देखते हैं तो आपको केवल ये वाला ही पोर्शन दिखता है, लेकिन इसके इस साइड में ये वाला पोर्शन भी है, इसमें ये भी है और इसके बैक साइड में भी है। हमारी आंखें एक समय में एक ही साइड देख सकती है। यदि कोई ऑब्जेक्ट ट्रांसपेरेंट है तो उसकी स्थिति अलग रहती है, अदरवाइज हम एक ही कहना चाहिए साइड हम देख पाते हैं और दूसरी साइड हम नहीं देख सकते हैं, ऊपर और नीचे भी हम नहीं देख सकते हैं। लेकिन जब हम डिज़ाइन करते हैं, जब हम स्पेस डिवीजन करते हैं, तो उसमें हम ये सारी चीज़ें डाल सकते हैं। इस बात एक बात का आपको ध्यान रखना है। अब मैं यदि कहूँ कि जैसे फर्स्ट ईयर की बात करें तो फर्स्ट ईयर आप सब ने पढ़ा है, सेकेंड ईयर के बच्चों ने भी पढ़ा है, थर्ड ईयर ने भी पढ़ा है और फर्स्ट ईयर वाले बच्चे भी पढ़ेंगे, तो उसके लिए ये एक इतनी इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है कि एक तो आप इसकी पहले शेप हम इसकी बनवाते हैं ताकि आपको पता चले कि इसकी शेप किन आकारों को लेकर के बनी है और अलग अलग एंगल पे जब आप बैठते हैं तो वो वहाँ से कैसा दिखता है, राइट। अब हम उसी को आपको बोलते हैं कि स्पेस डिवीजन करिए और स्पेस डिवीजन में इसकी एक डिज़ाइन बनाइए या इसका संयोजन करिए। उस वक्त आपको इस चीज़ का यदि ज्ञान है कि ये नीचे से कैसा है, इधर साइड से कैसा है, उधर से कैसा दिख रहा है और ये सारे ही जो आकार हैं इनको आप एक साथ रख करके आप उस डिज़ाइन का निर्माण कर सकते हैं। अब कई बारी बोलते हैं कि स्टूडेंट्स जैसे क्वेश्चन करते हैं कि मैम ये इधर से तो हमको केवल ये ऐसा ही दिख रहा है, अब ये हम इसको ऐसा कैसे बनाएं, ये कैसे हो सकता है। तो उसके लिए आपको ज़रूरी है कि आप इस ऑब्जेक्ट जो भी बनाएं आप उसको आप सब तरफ से घुमा करके देखें और उसके आकार को, उसके कैरेक्टर को समझें और उसके बाद आपका जो पिक्टोरियल स्पेस है उसके अंदर रखें, तो उसकी आप एक बहुत अच्छा स्पेस डिवीजन भी होगा, एक डिज़ाइन आप बना सकते हैं। आज हम यदि अपने आसपास जो रेजिडेंस मकान बने हुए हैं, बिल्डिंग्स है, उसको भी यदि हम देखें तो आप पाएंगे कि वो भी सब ज्योमेट्रिकल शेप से अछूते नहीं है, वो भी स्क्वायर वहाँ पर मिलता है हमको, ट्रायंगल मिल जाता है, अब वहाँ पे भी सर्कल मिल जाता है ना। तो ये चीज़ों को आपको ध्यान में रख करके आपके उसमें बनाना है। ऑटोमोबाइल की बात करें तो उसमें भी वो भी इंजीनियर होगा तो मेन जो हमारे ये तीन आकार होते हैं, गोला, त्रिकोण और चौकोर, है ना, सर्कल, ट्रायंगल और स्क्वायर, इन्हीं को लेकर के हम तोड़ मरोड़ के बड़ा छोटा कर करके दबा के लंबा खींच के अलग अलग आकारों का हम निर्माण करते हैं। तो अब जो आज ये मैंने बताया, अब जैसे देखिए इसकी बात करें तो इसका शेप अलग है, अब इसको आप एक साथ भी रखें तो आपको इस तरह की देखिए आप ये लाइन्स दिखाई देती है ना। तो इधर से देखें आप तो ये देखिए आप इसकी लाइन्स आपको दिखाई देती है, तो एक साथ ये चार जैसे रखे हुए हैं, तो आप भले ही आपके पास एक है लेकिन आप इमेजिन करके और उसको इस तरह के डिज़ाइन बना सकते हैं। इसको आप आधा यहाँ से काट सकते हैं, यानी सच में नहीं काटना है, आपको इमेजिन करना है और उसको आप इस तरह से करके, और ये देखिए आप ये वाली शेप आप अलग बना सकते हैं, ये आपको बनाना है, उसके अंदर आप फिगर्स बना सकते हैं, उसको कई अलग अलग तरह के शेप। अब जैसे मान लीजिए यहाँ से आप देखते हैं तो एक ट्रायंगल आपको ये नज़र आता है, अब यहाँ से आप देख रहे हैं तो ऊपर देखिए चौकोर होते हुए भी आपको ये एक जैसे हम कहते हैं ना वो शकरपारा जो होता है उस तरह का दिखता है, बिल्कुल चौकोर नहीं दिखता है लेकिन है ये चौकोर है। तो आप इस तरह की चीज़ों को देख करके अलग अलग एंगल से समझ करके और फिर इसको जो आप स्पेस डिवीजन करके इसको बनाएं। अभी जैसे मैंने आपको इसके शेप की ये जो बारे में बताया है कि इस तरह के शेप हैं इसके, देखिए नीचे से आप देखें कि इस तरह का है ना, तो इसको आप उल्टा भी रख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप इसको सीधा ही रखें, आपके सामने यदि ये इस तरह से रखा हुआ है तो हम इसको देखिए अब आप इसको हमने उल्टा रख दिया है ना, अब उल्टा जैसे ही रखा अब आप इसको देखें कि ये एक ही चीज़ है,
लेकिन जैसे ही एंगल बदला तो उसका आकार प्रकार आपको अलग तरह की अनुभूति देता है। है सेम चीज़ है, उसमें कोई अंतर नहीं है। इसको मैंने उल्टा रख दिया, इसको मैंने सीधा रखा हुआ है। तो इन सब चीज़ों को आपको देखना है। और मूल बात तो यह है कि आपको आपकी जो विजन है, आपको जो दृष्टि है, आपको देखना है, आपका ऑब्जर्वेशन कीन होना चाहिए। बहुत आप माइन्यूटली हर चीज़ों को उसमें बहुत ही इंटरेस्ट के साथ और कीनली ऑब्जर्व उसको करना है। मतलब ऐसा नहीं है कि आपने सरसरी निगाह से देखा और आपने फिर उसको बनाने बैठे तो आपका कभी भी वो सही चीज़ नहीं बनेगी। इस चीज़ को आप ध्यान में रखते हुए अभ्यास करिए। और क्योंकि अभी देखिए कि कोविड का टाइम है, अभी हमको नहीं मालूम कि कितना वक्त और लगेगा, तो हम वक्त ज़ाया न करें और हमारा जो विषय है वो प्रैक्टिकल का विषय है। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास की ज़रूरत होती है और आपको एक्सपेरिमेंट की ज़रूरत होती है, तो वो आपको करते रहना है। और जब भी हमारे कॉलेजेस खुलेंगे तो उस वक्त आपको इस सब्जेक्ट में काम करते हुए बहुत तकलीफ़ नहीं होगी, बहुत जल्दी से आप पिकअप कर लेंगे। और अभी जो है आप यदि नहीं करेंगे तो बाद में आपको बहुत दिक्कत आएगी और आपको लगता होगा शायद कि ये किस तरह से क्या हम करें। तो हमारे पास अभी यही इस तरह का साधन है और देखा जाए तो ये हमारे सब्जेक्ट का पार्ट ही है, बल्कि इसी तरह से हमको पढ़ना और देखना भी चाहिए कि हम अलग अलग आकारों को, फिर इसके ऊपर अलग अलग शेड कलर्स की भी बात हम कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए इधर आप, जैसे अंधेरा है तो इधर यही वाला कलर आपको ये शेड में दिखता है, इधर यदि उजाला है तो आप देखिए यही शेड इधर अलग, अब देखिए यहाँ डार्क है, यहाँ दोनों आप डिफरेंस देख रहे हैं, एक ही कलर है। तो आप इस तरह से कलर शेड्स का भी आपको ज्ञान हो जाएगा कि हम एक ही कलर को यदि उसके अंदर गहरा और हल्का करें तो वो किस तरह की शेड उसमें आ जाती है। अब देखिए पहले भी मैंने कई बार बताया है कलर स्कीम के बारे में भी। असल में कलर क्या होता है कि वो सूरज की रोशनी के कारण हमको हल्का, गहरा या अलग तरह से दिखाई देता है। हम वाइट और ब्लैक की बात करें तो वो क्या है, सिंपल सी बात है कि वो अंधेरा और उजाला है। उसको समझने के लिए हम नाम देते रहते हैं कलर वाइट और ब्लैक। तो इसमें भी यही है कि इधर से रोशनी आ रही है तो इसमें वाइट का ज़्यादा क्वांटिटी बढ़ जाती है तो ये बड़ा ब्राइट और हम वो दिखता है, इधर डार्कनेस आ गई तो इसका कलर शेड बदल गया। तो आज मैंने आपको जो मेन जो चीज़ें बताई है उसको मैं बहुत ब्रीफ में फिर एक बार कर देती हूँ रिपीट। एक तो मैंने आपको शेप के बारे में बताया कि फॉर्म्स जो होती है, कोई भी ऑब्जेक्ट होता है वो अलग अलग के आकारों से मिलकर के बनता है और उन आकारों को लेकर के हमको ज्ञान होना चाहिए कि किस तरह के आकारों को लेके एक फॉर्म बना है और उसको हम अलग अलग एंगल से देखें तो उसकी प्रकृति किस तरह से बदलती है वो एक ही चीज़ होने के बावजूद। और दूसरी मेन जो बात थी वो हमने कलर के साथ लाइट एंड शेड का जो एक गेम होता है, प्ले करता है लाइट, तो उसके अंदर अपना जो एक पार्ट प्ले करता है उसकी इम्पॉर्टेंस मैंने बताई। तो आप इस तरह से अपना काम करें और उसको मुझे उसको व्हाट्सएप पे उसकी सूचना दें या फिर आप उसमें जा सकते हैं व्यू बॉक्स में जा करके और अपनी अटेंडेंस जो है मार्क करवाने के लिए उसमें डाल सकते हैं। थैंक यू।